गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज हम जानेंगे आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स कि आपके बारे में वो सुबह क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने जिस पार्टनर ने आपको नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या वो अभी भी अपने ईगो में बैठे हुए हैं या आपको याद करते हैं या आपके प्यार में आपके बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप तो उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, लेकिन जब आप भी इंतजार कर रहे हो, जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेते तब तक आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। दोनों ही तरफ से एक ईगो का कॉन्सेप्ट चल रहा है, दोनों ही ईगो में खड़े रहेंगे तो कोई वापस नहीं आएगा। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर पहला कदम वो बढ़ाते हैं, ये पहले कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स क्या कार्ड्स आते हैं। डिवाइन पावर है यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके क्वेश्चन के आंसर दें ताकि उन्हें पता लगे उनके पार्टनर के बारे में आज मॉर्निंग में क्या सोच रहे हैं। वाओ, वेरी गुड, इट्स पेज ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड वन इज एट ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं, आपको खुद आगे चलकर आपको आगे प्रपोज भी करना चाहते हैं कि हाँ फिर से आपके रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी स्टकनेस कहीं ना कहीं पैसों को लेकर अटकी पड़ी है, फाइनेंसिस में, या तो कहीं वो स्टक है बहुत ज्यादा, पैसे को जोड़ने में लगे, जैसे देख रहे हैं पेंटिकल्स को जोड़ के पकड़ के बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि पैसों को जोड़ने में लगे पड़े हैं, अपने फाइनेंसिस को सुधारने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है जैसे एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी वो काम करते हैं, जिस भी बिजनेस में है, जिस भी जॉब में है, तो कहीं ना कहीं वहां पे बहुत ज्यादा कुछ उनके स्टकनेस है उनके अंदर, जिस कारण वो अभी आपको रीच आउट नहीं करने, अपना पूरा टाइम अपने करियर पे लगा रहे हैं। मैं कुछ और एक जो कार्ड और निकालता हूँ क्लियरेंस के लिए ताकि पता लगे एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, इट्स जजमेंट एंड सेकंड कार्ड इज थ्री ऑफ वैंड्स। देखिए, ये कंफर्म है वो ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा लगता है कि लाइक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि वो सोच के बहुत परेशान होते हैं, या तो कुछ ऐसा हुआ है कि आपने उनसे कुछ चीज छुपाई है जो उन्हें बाद में पता लगी है, ठीक है, जिस चीज को लेकर बहुत हर्ट है वो, क्योंकि वो आपसे आपके ऊपर बहुत भरोसा करते थे। कुछ ऐसा लग रहा है कि लाइक उन्होंने आपने कुछ उनसे छुपाया जो उन्हें किसी और के थ्रू पता लगा है, और अभी वो बिल्कुल ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं वो, लेकिन दिमाग में एक चीज तो रहेगी कि आप उनसे बातें छुपाते हो, लेकिन आपके लिए प्यार बहुत है। जैसे मैंने पहला कार्ड आपको बताया था, ये पेज ऑफ कप का कार्ड निकला था जो कि प्रपोजल का कार्ड होता है, वो आपके पास अपने आप आएंगे आपको प्रपोज करने के लिए, आपके साथ दोबारा से रीयूनियन के लिए आएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम उन्हें लगेगा क्योंकि अभी वो अपने करियर में बिजी है, अपने करियर को स्टेब्लिश करने में पूरे बिजी है, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये कंफर्म है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, जी रीडिंग रेजोनेट करी हो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, एंड जितना हो सके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।